मैं तुम्हारा यहां इंतजार करूंगा कुबेर। रात को समझते हैं माँ, सुबह को मर जाते हैं। ये क्या कह रही हो? राजमहल में गरीब लड़की सिंगार किए बगैर कैसे जा सकती है? राजमहल में? हाँ माँ, वो वचन हार गए हैं, उनका यही हुक्म है। वो हुक्म देने वाले कौन होते हैं? मैंने बेटी इसलिए नहीं दी कि नीलाम का जानवर समझकर उसकी बोली लगाए। ऐसा ना कहो माँ, औरत कभी नहीं बिकती। वो अपने वचन से मजबूर हो गए थे। मजबूरी काहे की? मजबूर वो हो गए हैं, तू मजबूर नहीं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ये ले माँ, मैं ऐसा कर लेती माँ, लेकिन उन्होंने कहा है अगर आज रात 12 तारीख से मेरी पालकी ना उठा सके तो भगवान ना करे कल वहीं उनकी अर्थी उठेगी। गौरी, मेरी बहन सी बच्ची, माँ, मैंने उनके हुक्म पर साथ चुका दिया है, अब तुम्हारे हुक्म पर साथ चुकाती हूँ। इस छुरी से वक्त आने पर काम ले लूंगी,
मुझे आज्ञा तुम हो। पालकी तैयार है? हाँ, रुखसत होने का समय आ गया, पालकी तैयार है। जिसमें जीती जागती लाश जाने वाली है। आज मैंने जाना, एक सुहागन की पालकी अर्थी कैसे बन जाती है। ऐसा ना कहो गोरी, तुम्हारा सुहाग अमर, तुम्हें विजय के पास हंसते हुए जाना, ये आंसू पोछ लो। मैंने तो तुम्हारा कहा मान लिया, मगर ये आंखें नहीं मानती। तुम ही ने पहुंच दो। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहो। इन्हें हिफाजत से ले जाओ। अच्छा सरकार, चलो पालकी उठाओ। सचमुच बहुत ही सुंदर है। भगवान तुम्हारी कृपा है, मैं जैसी बहू चाहती थी मुझे वैसी ही मिली।